writers, because legends have been there, legends have been created. No, they should not boycott, writers should not boycott Hollywood, they should keep on writing. ये सब ये कुछ इससे होना नहीं है. कोई दुनिया में ऐसा सोसाइटी हो सकती है आज की दुनिया में, खासतौर से हमारे मुल्क में. वी आर नेशन ऑफ मूवी बफ, वी लव मूवीज, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, फार ईस्ट हो, वेस्ट हो, जो हो, हम लोग मोहब्बत करते हैं फिल्मों से. और हम इस शौक हमारे हमारे डीएनए में है. कहानी कहानी सुनना और सुनाना, ये हमारे डीएनए में है हमेशा से. और हमारी कहानियों में गीत भी हमेशा से होते थे, आज से नहीं. ये कोई हिंदी फिल्म ने इन्वेंट नहीं किया. तो देखिए, ये हिंदी फिल्म जो है इसकी इज्जत करिए आप. हिंदी फिल्म क्या, इंडियन फिल्म. हमारी पिक्चर एवरेज फिल्म जो है इस वक्त 135-136 कंट्रीज में रिलीज होती है. इंडियन सिनेमा इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गुडविल एम्बेसडर इन द वर्ल्ड. लोग हमारे स्टार्स को अगर हेड काउंट करेंगे ना, तो हॉलीवुड के स्टार से ज्यादा हमारे स्टार को दुनिया में पहचाना जाता है. वो ठीक है, वो अमीर मुल्क है, तो वहां पर हर चीज का बजट ज्यादा है, वो अलग बात. लेकिन हमारे जो स्टार, आज आप जाइए इजिप्ट जाइए, आज आप जर्मनी जाइए, छोड़िए एशिया को, तो यू से आई एम एन इंडियन, यू नो शाहरुख, पहला सवाल तो ये होगा. तो हमारे जो लोग हैं और हमारी जो फिल्में हैं, वो दुनिया में कितना हमारे मुल्क के लिए गुडविल फैला रही है. वी आर अ मेजर सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया एंड इट शुड बी प्रोटेक्टेड. सर, वन स्मॉल क्वेश्चन सर.